तो कहानी शुरू होती है दो चोर आदमियों को दिखाते हुए। ये जेवर को चोरी कर रहे थे। वो लोग जेवर तो चोरी कर लेते हैं, पर उस जगह पर एक बिल्ली थी जो एक चोर पर हमला कर देती है। उसकी गर्दन पर बिल्ली के पंजे गड़ गए थे। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी पागल सा होने लगा था और अपने ही साथी को काट लेता है। जब वो अपने साथी को काट रहा था, इसी हाथापाई में वो पानी में गिर जाता है और पहुंच गया था गंगनम शहर में। पर जब वो पानी से बाहर आता है तो पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल चुका था। वो अब शहर की तरफ निकल पड़ता है। के बाद हम हियोनसुक नाम की एक लड़की को देखते हैं जो सोकर उठा था और फ्रेश होकर अपने काम पर निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी जो शहर में आ गया था, वो एक जानवर को मारकर खा रहा था। वो आदमी अभी पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदला नहीं था। जब लोग उससे बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भाग जाता है और टकराता है हियोनसुक से। वो भी उस आदमी से बात करने ही वाला था, पर तभी उसे अपनी एक दोस्त नजर आती है जिसका नाम मिनजिंग था। उसको कुछ लड़के वहां पर तंग कर रहे थे, इसलिए हियोनसुक उसकी मदद करता है। उन लड़कों को वहाँ से मारकर भगा देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हियोनसुक लड़ाई में काफी माहिर था। हियोनसुक और मिनजिंग दोनों एक जगह पर काम करते थे और जहाँ पर इन दोनों का ऑफिस था वो एक नई बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग की चेकिंग करने एक इंस्पेक्शन लेडी आई थी। वो थोड़ी सी खड़ूस थी। हियोनसुक और मिनजिंग दोनों एक छोटे से ऑफिस में काम करते थे। उनकी कंपनी एक यूट्यूब चैनल चलाती थी। हम यहीं पर हियोनसुक के बॉस को भी देखते हैं जिसकी नजर हमेशा मिनजिंग पर रहती थी। जो बात हियोनसुक को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो खुद मिनजिंग को बहुत पसंद करता था। उधर ही हियोनसुक का दोस्त भी था जो इनके साथ काम करता था। दूसरी तरफ हम उस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो शहर में आ गया था और उसकी नजर अब हियोनसुक की ऑफिस की बिल्डिंग पर थी। टीवी में भी इस ज़ॉम्बी के बारे में बताया जा रहा था जिसको देखकर हियोनसुक ने पहचान लिया था। ये सब डर गए थे क्योंकि वो ज़ॉम्बी इनके एरिया में ही फिर रहा था। थोड़ी देर बाद हियोनसुक की ऑफिस में पानी वाला आता है। तभी इनका बॉस उसको देखकर चुप जाता है क्योंकि इनका काम इतना खराब था ये पानी वाले को भी पैसे नहीं दे पाए थे। खैर पानी वाला तो चला गया था। जब वो अपनी गाड़ी के पास जाता है तो उसको वही ज़ॉम्बी ने आकर काट लिया था और उसका खून पीने लगता है। जब वो ज़ॉम्बी पानी वाले को मारकर खड़ा होकर गाड़ी के शीशे में देखता है तो खुद को देखकर रोने लगता है। इसका मतलब ये था कि ज़ॉम्बी के अंदर कहीं ना कहीं इंसानियत बाकी थी, पर अब वो और भी ज्यादा पागल होने लगा था। उधर बिल्डिंग के अंदर इंस्पेक्शन लेडी जब बाथरूम को चेक करती है तो गार्ड्स को बहुत डांटती है। कहती है इतने गंदे बाथरूम क्यों है, मैं तुम्हें इस बिल्डिंग से निकलवा दूंगी। पर तभी वो चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनते हैं। इंस्पेक्शन लेडी जब बाहर आती है तो बिल्डिंग में एक भगदड़ मची हुई थी। एक ऑफिस के अंदर से लोग भाग रहे थे। वो इंस्पेक्शन लेडी जब देखती है तो उसके तो होश ही उड़ गए थे। उस ऑफिस में बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके थे। उस गैंगनम ज़ॉम्बी ने बहुत से लोगों को काट कर अपने जैसा ज़ॉम्बी बना दिया था। यहाँ से शुरू हुई थी सबकी बर्बादी। इंस्पेक्शन लेडी सबसे पहले गार्ड से कहकर सारी बिल्डिंग के दरवाजे बंद करवा देती है ताकि एक भी ज़ॉम्बी बाहर न जा सके। पर तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पीछे आ गया था। वो एक गार्ड को काट भी लेता है पर इंस्पेक्शन लेडी बच गई थी। उधर वो गार्ड जो दरवाजे बंद कर रहा था, अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके सामने आ जाता है और देखते ही देखते दर्जनों ज़ॉम्बी उसके सामने थे। सब उस गार्ड पर टूट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ इंस्पेक्शन लेडी सबसे मदद मांग रही थी पर बिल्डिंग में कोई भी नहीं था। तभी वो हियोनसुक की ऑफिस में पहुंचती है और सारी कहानी बताती है, पर कोई भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। जो वो टीवी पर सबको गैंगनम ज़ॉम्बी दिखाती है, कहती है यही है वो आदमी जिसने सारी बिल्डिंग के इंसानों को जानवर में बदल दिया है। ये बात सुनकर कुछ लोग वहाँ पर थोड़ा सा सीरियस हो गए थे। हियोनसुक का बॉस कहता है अगर ये बात सच है क्यों ना हम एक वीडियो बनाए, हमारा चैनल वायरल हो जाएगा। ये सब अब वीडियो बनाने चले जाते हैं सिवाय एक गार्ड के जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था। उसके हाथ में अब दर्द हो रहा था। वो समझ चुका था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। उधर बाकी के लोग जब वीडियो बनाने गए थे वो हल्का सा दरवाजा खोलकर वीडियो बनाते हैं, पर एक ज़ॉम्बी उन्हें वीडियो बनाते हुए देख लेता है और मिनजिंग को पकड़ लेता है। उस एक ज़ॉम्बी की वजह से बाकी के ज़ॉम्बी भी इनके पास आने लगे थे, पर हियोनसुक ने सही वक्त पर दरवाजे को बंद कर दिया था और दोबारा से ये ऊपर की तरफ आने लगते हैं। हियोनसुक के बॉस को भी एक अच्छी वीडियो मिल गई थी, लेकिन तभी ये अपने सामने गैंगनम ज़ॉम्बी को देखते हैं। हियोनसुक उससे लड़ता है, उसका मुकाबला करता है, पर आखिर में ज़ॉम्बी उस पर भारी पड़ रहा
रहा था। वो ज़ॉम्बी बॉस पर भी हमला करने वाला था, पर बॉस अपनी जान बचाने के पीछे युनसुक के दोस्त को ज़ॉम्बी की आग में फेंक देता है। युनसुक भी अपने दोस्त को नहीं बचा पाया था, वो बेचारा मर गया था। ये सब अब अपने ऑफिस के अंदर आ गए थे कि आकर अपने बॉस से बहुत लड़ता है कि इसकी वजह से उसका दोस्त मर गया। मेनजिंग उनकी लड़ाई छुपाती है। इंस्पेक्शन लेडी यहाँ पर सबको बताती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैंने सारे दरवाजों को बंद करवा दिया था, हम इस बिल्डिंग में फंस चुके हैं। तभी पीछे से गार्ड उस पर हमला कर देता है जिसके हाथ पर ज़ॉम्बी ने काटा था, वो भी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। पर युनसुक उसकी मदद करने की कोशिश करता है लेकिन ज़ॉम्बी ने उस लेडी को काट लिया था। मेनजिंग और बॉस जब बाहर आते हैं तो बाहर से एक ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है। एक बार फिर बॉस अपनी जान बचाने के लिए मेनजिंग को ज़ॉम्बी की आगे फेंक दिया था, मगर सही वक्त पर ही युनसुक आकर मेनजिंग को बचा लेता है और ज़ॉम्बी ने बॉस को ही काट लिया था। बिल्डिंग में हर तरफ अब ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे, पूरी बिल्डिंग में सिर्फ दो इंसान बचे थे, युनसुक और मेनजिंग। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आखिर में ये एक जगह पर रुककर आराम करते हैं। मेनजिंग थक कर सो गई थी, तभी ये अपने सपने में देखती है कि बॉस ने इसे काट लिया है और डर कर उठ जाती है। तभी यहाँ पर युनसुक को एक आइडिया आता है, वो एक रेडियो को चलाकर लटका देता है ताकि सभी ज़ॉम्बीज उसके पास जाएं और बिल्डिंग के बाहर निकलने का रास्ता साफ कर दें, जिससे ये आसानी से बिल्डिंग के बाहर जा सकते हैं। उस रेडियो की आवाज सुनकर बेहोश ज़ॉम्बी भी जाग गए थे। अब ये जल्दी जल्दी जब भाग रहे थे तभी युनसुक का दोस्त जो ज़ॉम्बी बन गया था वो इनका रास्ता रोक लेता है। युनसुक उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है। उधर बॉस के ज़ॉम्बी ने भी मेनजिंग को पकड़ लिया था। यहाँ पर मेनजिंग का सपना सच हो जाता है कि अपनी और युनसुक की जान बचाने के लिए बेसबॉल बैट से इन पर हमला करती है। हिम्मत कर ये दोनों आगे बढ़ते हैं। जब ये मदद के लिए फोन करते हैं, फोन भी बंद थे, तभी गैंगनम ज़ॉम्बी इनके पास आ गया था। उधर रेडियो भी बंद हो जाता है। नीचे बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था ज़ॉम्बीज के बीच में से। ये दोनों हिम्मत करके ज़ॉम्बीज के दरमियान से गुजरते हैं कि युनसुक अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को पीछे कर रहा था। मेनजिंग अपना बेसबॉल बैट इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज को मार रही थी, पर यहाँ पर ज़ॉम्बीज हद से ज्यादा थे। ये दोनों किसी न किसी तरह सीढ़ियों तक पहुँच जाते हैं, मगर ऊपर से भी ज़ॉम्बीज आ रहे थे और नीचे से भी। ये दोनों दरमियान में ही फंस चुके थे। ये दोनों फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच तो जाते हैं पर वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज थे। ये बच कर भागते हैं और कार पार्किंग एरिया पर आ गए थे। यहाँ भी चारों तरफ से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। युनसुक मेनजिंग को गाड़ी में बिठा कर गाड़ी को बंद कर देता है और खुद अकेला ही ज़ॉम्बीज से मुकाबला करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बीज गाड़ी के अंदर मेनजिंग को भी घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने लगी थी जिससे गाड़ी में रेडियो भी चल जाता है। फिर यहाँ पर और भी ज़ॉम्बीज आना शुरू हो गए थे। युनसुक लड़ते लड़ते गाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, पर यहाँ पर भी इसके पीछे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। युनसुक उनसे बहुत लड़ता है। आखिर में सारे ज़ॉम्बीज युनसुक के ऊपर चढ़ गए थे। यहाँ पर हमें देखकर ऐसा लग रहा था कि युनसुक भी अब मर जाएगा, पर ऐसा नहीं था। सही वक्त पर मेनजिंग फायर एस्टिमेशन लेकर आ जाती है और सारे ज़ॉम्बीज पर स्प्रे कर युनसुक से उन्हें दूर कर देती है। ये सारे ज़ॉम्बीज तो भाग गए थे, पर जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो आ जाता है गैंगनम ज़ॉम्बी जो अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया था, जो युनसुक पर हमला कर देता है। वो इसके हर वार का पलट कर वार कर रहा था, मार का भी उस ज़ॉम्बीज पर कोई असर नहीं हो रहा था। काफी देर तक युनसुक गैंगनम ज़ॉम्बी से लड़ता रहता है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन लेडी भी आ जाती है। गैंगनम ज़ॉम्बी इनसे मर तो नहीं रहा था, पर मेनजिंग उसको थप्पा देती है और युनसुक उसको तब तक मारता रहता है जब तक वो हिलना बंद नहीं होता। ये दोनों सोचते हैं कि गैंगनम ज़ॉम्बी तो मर गया, पर पीछे से आ गई थी इंस्पेक्शन लेडी ज़ॉम्बी, आकर युनसुक की टांग पर काट लेती है। मेनजिंग बेसबॉल बैट से उसे भी मार देती है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। युनसुक मेनजिंग से कहता है कि तुम्हें अब अकेले ही बिल्डिंग से बाहर जाना होगा और सैड सा गुड बाय बोलता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो भी अब ज़ॉम्बी बन जाएगा। ये मेनजिंग को बताता है कि उसे कितना पसंद करता था। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। जब ये मेनजिंग को छोड़ने के लिए खड़ा हुआ था तभी कोई चीज नीचे आकर गिरती है और वो थे इंस्पेक्शन लेडी के नकली दांत। इसका मतलब ये था कि युनसुक पर तो वायरस का कोई असर हुआ ही नहीं था। अब ये दोनों मिलकर बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, पर जाते हुए दोनों एक बेवकूफी कर जाते हैं। दोनों ने दरवाजे को खुला ही छोड़ दिया था। तो कहानी के आखिर में हम देखते हैं गैंगनम ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा था। वो भी उठकर बाहर की तरफ जाने लगता है। मतलब अब ये बर्बादी पूरे शहर में फैलने वाली थी। अब शुरू होने वाला था ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। क्या ये ज़ॉम्बी अब पूरे शहर में तबाही फैलाने वाला था? तो क्या होगा गैंगनम शहर का हाल? और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।